दिल्ली की देवी अब कैसी है? 5 साल की देवी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। एम्स के डॉक्टर ने दोपहर करीब 12 बजे देवी का मेडिकल। दिल्ली की देवी अब कैसी है? 5 साल की देवी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। एम्स के डॉक्टर ने दोपहर करीब 12 बजे देवी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया। डॉक्टर ने बताया कि देवी को हल्का बुखार है। अभी उसे हल्का बुखार है जिसमें के धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। एम्स के 8 डॉक्टर देवी की हालत पर दिन रात नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सोनिया गांधी तक सभी ने अस्पताल जाकर उसका हालचाल जाना है। डॉक्टरों ने रविवार को बताया कि देवी की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बीती रात उसे अच्छी नींद आई, कई दिनों बाद वो ठीक से सो पाई। बच्ची ग्रेजुअल रिकवरी शो कर रही है और कल रात जो है वो भली भांति सोई है। एम्स के डॉक्टरों ने रविवार को एक और अच्छी खबर दी। डॉक्टर ने कहा कि देवी मम्मी पापा और डॉक्टरों से बातें कर रही है। रविवार सुबह उसने मम्मी से खाना भी मांगा है। इस समय पर बच्ची के सभी वाइटल पैरामीटर स्टेबल हैं, उसका कोलोस्टमी फंक्शनिंग है, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है तथा अपने पेरेंट्स, नर्सेस और डॉक्टर से बातचीत कर रही है। देवी एम्स के आईसीयू में भर्ती है। उसके शरीर के अंदर काफी इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन खत्म करने के लिए उसे हाई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। शुक्रवार रात उसका एक ऑपरेशन किया जा चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि इन्फेक्शन खत्म होने के बाद उसका एक और ऑपरेशन किया जाएगा। देवी पर दवा और दुआ दोनों का असर रो रहा है। दिल्ली की 5 साल की बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है, लोगों को पहचान रही है, उनसे बातें कर रही है। आइए आप और हम मिलकर उस देवी के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभय पराशर पारू भाटी के साथ खुशबू राजपूत, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।